हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर ने एक हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन किया है कि इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट का चैप्टर होता है, उसमें उसके साथ साथ हमें इकोसिस्टम क्यों पढ़ना रहता है और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं। तो इन्वायरमेंट को आसानी से समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि इन्वायरमेंट का मतलब ये कि हमारी जो सराउंडिंग है, जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं, हमारे आसपास जो कुछ है वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो ये तो इन्वायरमेंट हो गया। जैसे हमारे आसपास जो गैसेज हैं, जो एयर है, जो टेम्परेचर है, जो वाटर है, जिस तरह के माहौल में जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। हम शहरों में रहते हैं, वहाँ का अलग इन्वायरमेंट है। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ का अलग इन्वायरमेंट है, उनकी सराउंडिंग दूसरी तरह से। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स या प्लांट, वो वाटर में रहते हैं तो उनका अलग तरह का इन्वायरमेंट है, उनकी सराउंडिंग अलग तरह की है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो उनका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट अलग अलग तरीके होते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम लोग शहरों में रहते हैं और फॉरेस्ट में और वाटर में, तो अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट हो गया क्योंकि अलग अलग तरह की सराउंडिंग है। तो ये तो इन्वायरमेंट हो गया। अब इकोसिस्टम क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहे हैं उनका, उनकी सराउंडिंग से किस तरह का इंट्रैक्शन है, ये इकोसिस्टम हो गया। तो जो सराउंडिंग है वो एनवायरनमेंट हो गया। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका, उनकी सराउंडिंग से किस तरह का रिलेशन है, मतलब ये कि उनका उनके एनवायरनमेंट से किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का इंट्रैक्शन है, ये क्या हो जाएगा? ये इकोसिस्टम हो जाएगा। तो अब ये सराउंडिंग से जो उनका रिलेशन होगा, या जो एनवायरनमेंट है उससे उनका जो रिलेशन होगा या जो इंट्रैक्शन होगा वो चेंज भी होगा, क्योंकि अगर उनके एनवायरनमेंट में, उनके सराउंडिंग में कुछ बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है उनका जो इंट्रैक्शन होगा वो चेंज होगा। जैसे हमारी जो एयर है, अगर उस एयर में कुछ चेंज आ जाए, मतलब ये एयर पॉल्यूटेड हो जाए, तो हमारी लाइफ पर उसका असर पड़ेगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका असर पड़ेगा। हमारी सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, जो कुछ भी हो जाए, तो उसका हमारी लाइफ पर असर पड़ेगा। वाटर है हमारी सराउंडिंग में, वाटर पर अगर कुछ असर आता है, मान लीजिए वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उसका हमारी लाइफ पर असर पड़ेगा। सॉयल है, पोल्यूशन हो आ जाए उसमें, तो उसका हमारी लाइफ पर असर पड़ेगा। तो ये सब जब इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ों में कोई बदलाव आता है तो उसका वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी असर पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट से जो इंट्रैक्शन होता है वो इकोसिस्टम हो गया, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है वो क्या हो गया? इन्वायरमेंट हो गया। अब आपके क्वेश्चन का जो ये पार्ट है कि हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ इकोसिस्टम क्यों पढ़ते हैं? तो इन्वायरमेंट के साथ इकोसिस्टम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हमने अपनी सराउंडिंग्स को पढ़ लिया, हमने आसपास की चीज़ों को जान लिया, हमारे आसपास का जो भी माहौल है वो सब हमने जान लिया। अब उस माहौल से हमारा किस तरह का इंट्रैक्शन है इसको भी हमें जानना रहता है, और ये इंट्रैक्शन जो हम जानते हैं इसी से हम पॉल्यूशन और ये हमारी लाइफ पे जो इफेक्ट या हमारे सराउंडिंग पे जो इफेक्ट, वो सब भी इसी में हम लोग पढ़ते हैं, इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन ये है कि ये जो इन्वायरमेंट होता है उसके साथ साथ हम इकोसिस्टम क्यों पढ़ते हैं? तो अब इन्वायरमेंट का मतलब ये कि हमने अपने आसपास की चीज़ों को जान लिया, हमने आसपास के माहौल को जान लिया। अब उस माहौल का हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, हमारा उसके साथ कैसा इंट्रैक्शन होगा, ये जानना भी एक तरह से वो टॉपिक दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोसिस्टम पढ़ना रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में हमने अपनी सराउंडिंग को जान लिया और इकोसिस्टम में हमने वो जान लिया कि हमारा उन सराउंडिंग से किस तरह का इंट्रैक्शन है, किस तरह का रिलेशन है, और हमारी लाइफ पे उस जो इन्वायरमेंट है या वो जो सराउंडिंग है उसका क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ेगा, और अगर हमारी सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ जाए तो हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, मतलब ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या असर पड़ेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी की लाइफ में क्या असर पड़ेगा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उनकी जो सराउंडिंग होती है वो उनका एन्वायरमेंट होता है, और उनका उनकी सराउंडिंग से, मतलब उनके एन्वायरमेंट से जिस तरह का इंट्रैक्शन होता है वो इकोसिस्टम होता है। और ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए दोनों टॉपिक या तो एक ही चैप्टर में होते हैं या एक साथ इनको पढ़ा जाता है, मतलब ये कि एन्वायरमेंट पढ़ लिया जाता है उसके बाद इकोसिस्टम पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।